और बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, दिल्ली की सियासत की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आतिशी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। अब पूरे देश में ये नाम चर्चा का विषय बन गया है। आखिर कौन है आतिशी, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और राजनीति से पहले वो क्या करती थी, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आतिशी आम आदमी पार्टी की मजबूत नेता, अरविंद केजरीवाल की करीबी और दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि आतिशी को दिल्ली का अगला सीएम बनाया जाएगा। आतिशी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है और उनका निजी जीवन भी। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। पंजाबी राजपूत परिवार में जन्मी आतिशी के माता पिता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पिता ने बेटी का नाम आतिशी मार्लिना रखा, मार्क्स और लेनिन के नाम को मिलाकर। पर अब आतिशी अपने नाम के साथ मार्लिना नहीं लिखती। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें क्रिश्चियन समझा जाने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सरनेम नाम से अलग कर दिया। अब वो सोशल मीडिया पर भी अपना नाम आतिशी आप लिखती हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ग्रेजुएशन तक दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक चली गईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने के पर आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में कुछ समय तक काम किया और आम आदमी के गठन के समय से ही आतिशी पार्टी के साथ जुड़ गईं। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, पर वे बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से 4,77,000 मतों से हार गईं। हालांकि 2020 में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आतिशी ने कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी प्रत्याशी को 11,000 से अधिक मतों से मात दी। गुजरते वक्त के साथ आतिशी की पकड़ पार्टी में मजबूत होती चली गई और वे अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी नेताओं में से एक बन गईं। फिलहाल वे दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं और अब बहुत जल्द आतिशी दिल्ली के सीएम की कुर्सी भी संभालने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दिल्ली में अब केजरीवाल नहीं, आतिशी सरकार होंगी। आतिशी सरकार के मायने आइए समझ लेते हैं। केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रही आतिशी, अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला जो दिल्ली की सीएम बनेगी। वैसे सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली की सीएम रेस में हो सकती थी। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता की जिम्मे थी पार्टी। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते आतिशी इकलौती महिला मंत्री रही। आतिशी के पास सबसे ज्यादा विभाग भी रहा है। आतिशी 2020 में पहली बार विधायक बनी और साल 2023 में पहली बार मंत्री। वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली, राजस्व, कानून सब आतिशी के ही पास है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की बेहद भरोसेमंद है। मनीष सिसोदिया की भी पसंदीदा पार्टी नेता रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महिला को कुर्सी पर बिठाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल के बाद आतिशी को कमान देकर महिला समीकरण साधने की कोशिश की गई है और इस तरीके से इसके मायने हैं कि आखिर आतिशी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया।